गुमशुदा ये होने वाला है नहीं तू आके देख ले इसके जैसा कोई सीन में है नहीं भाई अपना मोमेंट में जीता है मैं हूं आरजे रोशन और फीवर 104 एफएम पर मेरे साथ है अपना भाई बनता है <laughs> किंग तू आके देख ले लगा इंट्रोडक्शन पे अमेजिंग तो राइट भाई अमेजिंग इंट्रोडक्शन थैंक यू थैंक यू बड़ा मेहनत लगा मुझे मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रेप करने के लिए इतना मेहनत wow. नहीं लगा जितना मैं ये सोचने में टाइम निकाला कि यार किंग आ रहा है ओके hmm. okay? Yeah. <laughs> रैपिंग का किंग आर एस स्टूडियोज तो आरजे रोशन जो खुद को रेडियो का बादशाह मानता है क्योंकि शाहरुख का फैन है वेयर इट लाइक अ क्राउन ब्रो यस ब्रो वेयर इट लाइक अ क्राउन सो क्या इंट्रोडक्शन में दे दूं जो जस्टिफाई कर पाएगा किंग के लिए इतना तो मैंने जस्टिफाई नहीं करा कभी को तो को इतना लाइक प्रिसाइज़ली दैट्स रियली नाइस थैंक यू सो मच बाय थैंक यू सो मच यप नाम है ख्वाबेदा यप पहला गाना लॉन्च हो गया बाजी भाई क्या सोच रहे हो ख्वाबा इज लाइक वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट जिसमें तीन गाने hmm. और तीन स्टोरीज हैं एंड उन तीनों के पूरे ख्वाबिदा के अंदर तीन तीन कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं अलग okay. अलग टाइम लाइन okay. के अंदर okay. और सो so, बाजी सो so, मैं हर गाने को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि बाजी इज अ वाइब एक तरफा इज एन इमोशन एंड सिनर इज़ अ कैरेक्टर So right <laughs> exactly, exactly. exactly. फॉर्मल जोन में से वो नहीं है बट वो है की अब जब वो एक कैरेक्टर है uh. और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है uh. और जब उसे पुल ऑफ करना है तो मैंने कहा चलो इसी बहाने पहन लेंगे yes. अपने बहाने चाहिए अपन तो कलाकार है तो यार इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं hmm. कम से अपना पर्सनल स्पेस तो कंफर्टेबल रख ले। uh, का मतलब ये है है। कि ड्रीम इट्स अ सो जैसे-जैसे लोग अभी अभी पहला चैप्टर uh, आ चुका और आज पहला गाना अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ क्रेजी बाजी uh, अब सेकंड चैप्टर आएगा मतलब किंग लेटेस्ट एल्बम भाई लेकिन आपने कहा कि एक सपना जो होता yeah. है। So, <coughs> ये सपना आपने कहीं ना कहीं आपने कहा कि देखा है आपने hmm. सामने सामने एंड वॉट इज वर्किंग फॉर यू देखो रैपिंग स्टाइल hmm. तो बहुत लोग कर रहे हैं बट जैसे कि आपने कहा कि यू मेक इट मोर रिलेटेबल यू मेक इट फॉर देम या ऑडियो शो sure. So ऐसे क्या हुआ था बचपन में जो अर्पण कुमार बन गया किंगना चाहूंगा अर्पण कुमार बुलाओ ये कहानी की शुरुआत हुई थी वेन यू वर्पन एग्जैक्टली सो कैसा रहा ये यार मेरे पास कहानियां बहुत है बट बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसान दिल में रखता है और बहुत सी ऐसी चीजें दिमाग में रखता है Uh, मैं दिल वाली uh, बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा मेरे दिल का स्पेस बहुत पर्सनल है uh, तो वो इसलिए वो स्ट्रगल की बातें मैं करूंगा नहीं और फिर नाम बातेंगे तो बनता नहीं है सब क्या बात अब दे कर दे। रहे हैं यार काम अब क्या बोले मैं तो गलियों से निकला हूं। बहुत दिक्कत झेही है अभी दिक्कत किसी ने नहीं देखी जिंदगी में किसी ने देखी मैंने जो देखी मैं बोलने लगा तो मेरे पे कहानी बन जाएगी पिक्चर बन जाएगी मतलब बहुत स्ट्रॉग मटीरियल है मेरे पास बट नहीं क्या फर्क पड़ता है

आ, फिर एक नौकरी लगी मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी थी वो okay. जिसमें दस हजार मिला करते थे और मैंने छह साल वो नौकरी करी है नौ से पांच अच्छा। महीने okay. तो दस हजार मिला करते थे मैंने साल वो दस हजार की नौकरी करी है और वो दस हजार है के मैं ठीक है मिले नए ना फिर कॉलेज गया फिर कॉलेज में छह महीने अब छ महीने पढ़ाई तो क्या ही करी खैर मेरा मैं कॉलेज आठ बजे शुरू होता था मैं दयाल सिंह कॉलेज में था और मैं घुसता एक बजे था कॉलेज में लेजेंड्स तो <laughs> <laughs> तो मैं मैं ऐसे घुसता था शक्ल यूं दिखाता था

सबसे सबसे बड़ी वेस्ट्न। वेस्ट्न। सो मच। बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो आज तक अर्पण किंग बना लेकिन अपना मोबाइल अभी तक रखा आ. है इस so, yeah, सो सो थैंक यू मच क्योंकि हर कहानी में ये होता है ना कि पप्पा मुझे देते नहीं पप्पा मुझे करते नहीं लेकिन क्या ऐसा पप्पा फैमिली का बेसिक बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे पता है वो कैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे दिलाया था उस वक्त तो मेरे पिताजी का नाम अशोक है और मेरी माता का नाम रानी है मेरा नाम किंग है Oh. मैं उनसे लाइफ में इंस्पायर्ड कि चाहे जिंदगी में बात पैसे की नहीं होती आपका yeah. आप रखते हो तो, तो इसलिए yeah. सुनाना था था पसंद वो करता हूँ क्या सुनाऊ मैंने उनकी देखी है तो मतलब yeah. मेरी yeah. तो बहुत बहुत सही है कहने <laughs> का, सही का मतलब तो आई है लाइक ब्रदर अनदर मदर माइकल हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है तो अपनी वो पहली बैकबोन बनी जिंदगी में माई की वो और मैं निकल जाते थे शूट करने और फोन पे करना शूट सारा तो माहौल वगैरह गुमशुदा इनफैक्ट उसी फोन पे शूट हुआ ओके okay, गुमशुदा उस फोन पे शूट हुआ है वो पप्पा के किस्तों में बना हुआ बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा। हाँ, okay. दो मतलब हजार के, के हर घर में ना एक वो होती है मतलब पेरेंट्स के अंदर की यार जो समझते हैं उनका अंदर होती है कि यार लाके देना बच्चों को मैं बस ये बोलना चाहूंगा कभी भी मिस यूज मत करना अपने पेरेंट्स का जस्ट भी गस के तुम्हें मटर गश्ती करनी है तुम्हें मौज लेनी है तो तुमने इसलिए दो साल का कोई मन कर रहा है कि मैं मुंह से कुछ बीप वर्ड निकालू <laughs> है ना तुम्हें करनी है अपने दो साल <laughs> किसी चीज की घर, oh yeah. वो वो घर वाले कहां ठीक है तो डोंट मिस यूज देम जस्ट बिकॉज दे लव यू और वो तुम्हारे लिए सोचते हैं क्योंकि मैंने बहुत देख लिया पांच पांच साल के कोर्स पता नहीं क्या क्या करके बैठे कुछ नहीं कर रहे डूइंग नथिंग इन लाइफ ठीक है अब और फिर कहते हैं कि हमारे गलत हैं। hmm. यार मैंने कितने रैपरों को देख hmm. अच्छा मैं कोई नहीं होता हो सकता है ज़िंदगी देखो हर किसी के ना अलग अलग कैरेक्टर होता है yeah. लाइफ के अंदर मैं मान सकता हूं कई बार हम इंसान है घर वाले yeah. भी गलत होते हैं मतलब मेरी But मेरी माँ खुद ही बोलती है कि बेटा कई बार तुझसे सीखती हूँ क्योंकि हम भी कई बार गलत हो जाते हैं ठीक है तो वो मैं समझता हूँ बट कई कई लोगों को 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 आर्टिस्टों मैंने देखा अपने घर वालों को वो देते हुए कि ये है वो मेरे घर वाले थे ना जिसको पाला पोसा, कैसे तुम हाँ, है, exactly? तुम होते ही नहीं मतलब कह दो तुम्हें एक चड्डी भी खरीद के ना दिलाई हो घर वालों ने बचपन से है ना तो छह साल का बच्चा क्या ही कमाता होगा तो वो सारी तो मतलब इसलिए घर वालों का बहुत सपोर्ट उस चीज को लेके रहा कि करना है। आ देख ले। पापा जी हमेशा लगे लगे <laughs> पूरा कार्निवल एल्बम दो लाख बीस हजार रुपए का है मैं आज बता रहा हूँ मैं कभी ये चीज डिस्कस नहीं करता दो लाख बीस हजार रुपए का कार्निवल एल्बम है